अरे बाप रे, फिर उसके पीछे पीछे मोस्टी पार्टी के कुत्ते पकड़ने वाले लोग भी आ गए। अरे वाह, चलो मतलब गया ना? नहीं, अब हमने उसे बचा लिया। क्या? आप जब इसके लिए गले का पट्टा लेंगे ना, तो प्लीज जरा मटेरियल देख लेना कि वो सॉफ्ट हो। हा? और हाँ, बेल्ट का कलर रेड या ब्लू ही सिलेक्ट करना। ओके, बहुत भूख लगी है नट्टू काका, दबा के खाएंगे। बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, कहाँ हो आप? पद्मावती भोजनालय के बाहर ही खड़े हैं। अच्छा, मतलब अभी खाना खाने बैठे नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ तो बैठने में बाद में अभी आता हूँ वहाँ पे, ठीक है? अरे आइए आइए सेठ जी, आज तो हमारे यहाँ स्पेशल मेनू में केसर बासुंदी है। बागा, आज तो सेठ जी भी हमारे साथ खाना खाने आ रहे हैं। अभी आने ही चाहिए, बुलाए तो आएंगे। नट्टू काका, बागा, चलो आइए सेठ जी, मैंने आपकी भी जगह रखी है। हाँ सेठ जी, मस्त बासुंदी दबाना। अरे भाई, मुझे खाना खाने नहीं आना है, तुम लोग मेरे साथ चलो गोकुलधाम सोसाइटी। व्हाट हैपेंड सेठ जी, कोई टेंशन है? हाँ हाँ, टेंशन है। क्या टेंशन है? थैली में मेरे पास 10 लाख रुपए रोकड़े हैं, तो क्या अकेले जाना थोड़ा जोखिम है ना, इसलिए जरा आप दोनों मेरे साथ चलो। 10 लाख? कहाँ से आए? अरे आपको क्या पंचाते नट्टू काका? नहीं, वो हिसाब में लिखने पड़ेंगे ना, दैट्स व्हाई आई एम पंचाटिंग। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी चलो मेरे साथ चलो। सेठ जी चलते हैं, बासुंदी पूरी खा के चलते हैं ना। हाँ सेठ जी, मस्त केसर बासुंदी है, मैं आपकी राह देखते देखते अंदर चक्के आया। नट्टू काका, आप चक्के आए? अरे ओ चाचा भतीजा, आप दोनों जरा मौके की नजाकत को समझो, यहाँ मेरे पास 10 लाख रुपए रोकड़े है, 10 लकड़े के टुकड़े नहीं है, जो ये थैली लेके मैं यहाँ वहाँ घूमता रहूँ। चलो मेरे साथ, मैं बाद में आप दोनों को पैसे दे दूंगा, जितनी चाहे उतनी बासुंदी पी लेना, ठीक है? नो सेठ जी, पैसे की जरूरत नहीं है, ड्यूटी इज ब्यूटी। नट्टू काका, ड्यूटी इज ब्यूटी नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी। व्हाटएवर भागा, सेठ जी अभी मुसीबत में है, लेट्स बेल हिम आउट। आइए सेठ जी, फिकर नॉट, 2 बाउंसर आपके साथ है। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। ओ भतीजा, इधर इधर, चाचा उधर गए। अच्छा, मुझे लगा। आइए सेठ जी। रिक्शा रिक्शा, एक मिनट। बागा उतर, उतर नीचे। क्या हुआ सेठ जी? अरे उतर नीचे भाई, भाई आप निकलो, हमको थोड़ा टाइम लगेगा इधर, आप निकलो। पर क्या हुआ सेठ जी, रिक्शा क्यों छोड़ दी? अरे भाई, वो रिक्शा ड्राइवर जरा ठीक नहीं लग रहा था। अरे पर सेठ जी, हम 2 बाउंसर आपके साथ हैं, फिर डर काहे का? मिल जाएगी ना भाई, चाहिए होती है देखो, दूसरी रिक्शा आ गई, मिल जाएगी यार। रिक्शा रिक्शा, रुकिए एक मिनट। अरे बाप रे, यहाँ बैठा तो कोई भी रास्ते का कुत्ता मुझे रास्ते में काट सकता है। नट्टू काका जरा उतरिए। अब क्या हुआ सेठ जी? अरे एक मिनट, उतरिए तो सही। होल्ड ऑन भाई साहब, जरा मुंह दिखाइए। सेठ जी ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे भाई एक मिनट, उतरिए भाई, बोल रहा हूँ उतना करो ना नट्टू काका। ओके 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 जी, कह रहे हैं जा बागा बैठ जा। मैं पहले वही कर रहा था सेठ जी, आपने बैठने। भाई आइए नट्टू काका, मैं बीच में बैठना चाहता था इसलिए। Now I got it. Better safe than sorry. चलिए भाई साहब, पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी। रोको 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 रोको। सेठ जी, रिक्शा यहाँ क्यों रुकवाई? अरे वो मैं बबीता जी के घर अकेला गया तो बागा और नट्टू काका तो यहीं से वापस चले जाएंगे, फिर मैं बबीता जी के घर से अपने घर तक अकेला कैसे जाऊंगा? अरे रोको रोको, मतलब
वो सीढ़ी के पास रोको, इन्होंने जल्दी रोक दी। हाँ। ले लो भाई आगे आगे ले लो आगे ले लो। हाश, आ गए गोकुलधाम सोसाइटी, अब कोई टेंशन नहीं। अरे क्या अब कोई टेंशन नहीं, अभी टेंशन शुरू होने वाला है भाई। मतलब? मतलब इतिहास गवाह है नटू काका, मेरी नैया हमेशा किनारे पे आके डूबती है। अरे रुको, पैसे तो दे देने दो। एक काम कीजिए सेठ जी, यहाँ से वापस पद्मावती भोजनालय तक के पैसे भी दे ही देना। क्यों? वो क्या है, मैं और नटू काका इसी रिक्शा में वापस पद्मावती भोजनालय चले जाते हैं, बराबर ना नटू काका? हाँ, तो बेचारी पूरी और बासुंदी दोनों हमारी राह देख रही होंगी। अरे भाई चले जाना, लेकिन मुझे घर तक तो छोड़ दो, यहाँ से घर तक में मुझ पे हमला हो गया तो। कौन हमला करेगा? कुमती वाला चोर। ओ, चोर का कोई भरोसा थोड़ी है। बराबर है, जोखम साथ में है ना। चलिए सेठ जी, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। हाँ हाँ सेठ जी, हमें यहाँ छोटे मोटे कामों के लिए थोड़े लाए हैं, जो हम इन्हें सीढ़ियों तक छोड़ के चले जाएंगे। लेट अस ड्रॉप हिम इन टिल हाउस। नट्टू काका भी बोल बचन बंद कीजिए और उतरिए, और जरा आजू बाजू ध्यान से देखना, कोई कुत्ता इंसान मक्खी मच्छर कोई कनड़गत ना करे। एक मिनट सेठ जी, अभी आप नीचे मत उतरना, पहले हम पूरा मुआयना कर ले, और जब तक आपको सिग्नल ना दे तब तक आप नीचे मत उतरना, है ना? एक मिनट। अरे भाई आइए। This side all clear. Make it two. This side also all clear. Mission accomplished. रबी मैं आऊं क्या? नहीं। Yes, yes, Sir G. Please be our guest. All line in this route is clear. एक मिनट सेठ जी। अब क्या है? सीढ़ियों पे सबसे आगे मैं रहूंगा, बीच में आप, और आपके पीछे नटू काका, बराबर ना नटू काका? Over and out. आइए सेठ जी। अरे जल्दी ऊपर चल, वो आ गया। कौन आ गया सेठ जी? अरे भाई तू बताइए ना कौन आया, कहाँ है? आगे जीजा, आगे बाबूजी। बाबूजी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबूजी। जय जिनेन्द्र। अरे नटू बागा, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? सेठ जी को छोड़ने आए हैं। भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ले। ये क्या है? इसको संभाल के रख दे, इसमें 10 लाख रुपए। बापूजी, सेठ जी के पास 10 लाख रुपए का जोखम था, इसलिए हम खाना छोड़कर इन्हें यहाँ छोड़ने आए। हाँ, अच्छा किया। क्या हुआ? इसमें 10 लाख रुपए नहीं है। ये देखिए आप बबू चक बेदर का 10 लाख रुपए रास्ते में गिरा करा, ऐसी लापरवाही। सेठ जी, आप दुकान से पद्मावती भोजनालय आए तभी रास्ते में ही कहीं पैसे गिर गए होंगे। हाँ बापू जी, क्योंकि पद्मावती भोजनालय से लेकर यहाँ तक हम दोनों सेठ जी के साथ में ही थे। साथ में ही थे मतलब क्या? साथ में है। हाँ, और हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। देखिए आप याद कर
दुकान से लेके पद्मावती के बीच कहाँ गिरा कर आया पैसे? तो वही जगह ढूंढते है, चलो। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, मिल गए? नहीं तो फिर चलो। अरे भाई दो मिनट जरा शांति रह। एक काम कर, पुलिस को फोन लगा। जी। अरे किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है बापू जी। क्यों? वो दरअसल थैली में 10 लाख थे ही नहीं। वो फिर हम दोनों को बॉडीगार्ड बनाकर साथ में यहाँ तक क्यों लेकर आए? ऐसा क्या है इस थैली में? इसमें तो कुत्ते का बिस्कुट है और कुत्ते का बेल्ट है, वो भी दो दो। दो दो बेल्ट क्यों? एक टूट जाए तो दूसरा काम है इसलिए। सेठ जी आपने हमें जवाब नहीं दिया, आप हम दोनों को बॉडीगार्ड बनाकर साथ में यहाँ तक क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ, देखिया तुम दोनों को यहाँ तक बॉडीगार्ड बनाकर इसलिए लेकर आया है क्योंकि नीचे सोसाइटी कंपाउंड में जो कुत्ता है उससे ये डरता है। देखिया, अरे तू कुत्ते से इतना डरता है? सेठ जी आप कुत्ते से डरते हैं? अब मैं समझा नटू काका, सेठ जी ने नीचे बोला था ना अभी हमला कर देगा, वो चोर नहीं कुत्ते की बात कर रहे थे। क्या सेठ जी आप भी, एक कुत्ते की वजह से आपने हमें बासुंदी खाने नहीं दी। बासुंदी मैं अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं सेठानी जी, एक मिनट। हेलो, पद्मावती भोजनालय, हाँ मैं बागेश्वर बोल रहा हूँ, बासुंदी बची है ना? अरे वाह वाह वाह, मैं और नटू काका अभी वहाँ आ रहे हैं, 16 वाटी बचा के रखना। 16 वाटी? 8 वाटी मेरे लिए और 8 वाटी नटू काका के लिए, हुई ना 16 वाटी, हमारा फिक्स है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो पहुंचो पहुंचो आप पद्मावती भोजनालय पहुंचो और कल भी मेरी तरफ से बासुंदी पीना। सुनिए बाई चांस अगर अभी भोजनालय में खाना ना मिले ना तो आप यहाँ घर पर आ जाना, मैं बासुंदी के साथ साथ गर्मा गर्म खाना बना दूंगी। अरे भाई फोन कर दिया ना बागा ने, वो सब व्यवस्था हो गई भाई। तो अरे भाई तुम लोग जाओ फिर से वरना खलास हो जाएगी बासुंदी, जाओ जल्दी जाओ, चलो जल्दी जल्दी। अभी क्या उस कुत्ते के डर से तू रोज नटू और बागा को साथ में लेकर आएगा? नहीं तो बापूजी मैं कुत्ते को इस सोसाइटी में नहीं रहने दूंगा। पापा दया मेहरबानी करके बीच में मत बोल प्लीज। एक जटिया बापूजी प्लीज आप भी कुछ मत बोलिए, मैं अभी भीड़ को फोन करके बोल देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए यह कुत्ता सोसाइटी में नहीं रह सकता। ये फोन वाली तो फिर ये पट्टे लेकर क्यों आया और वो भी दो दो? अरे वो बबीता जी और दया तू क्या है कर रही है, तू नहीं तो मुझे कहा था पट्टा लाने के लिए। कुत्ते के लिए बापू जी? अबे बबीता जी दया दोनों ने मुझसे कहा पट्टा लाने के लिए, तो फिर मैं इन दोनों को मना नहीं कर पाया और ले आया पट्टा। मैं अभी भीड़े को फोन करके बोल देता हूँ। नहीं नहीं फोन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भीड़े भाई ने आज रात को 10 बजे मीटिंग रखी है कि कुत्ते को रखना है कि नहीं। हमारे आश्रय आया है बेचारा कुत्ता। बेचारा कुत्ता, यहाँ बेचारा पति नहीं दिखता? बापू जी आप भी प्लीज मीटिंग में कुछ मत बोलना प्लीज। मुझे मीटिंग में आना ही नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। चलो आस। बापूजी मीटिंग में आ ही नहीं रहे, पहला पड़ाव पार किया दूसरा पड़ाव। दया खबरदार जो मीटिंग में कुत्ते को सोसाइटी में रखने की तरफ़ में बोली है तो
लेकिन टप्पू के पापा वो कुत्ता कहाँ जाएगा? बेचारा हमारे आश्रय आया है। अरे ओ जीव दया, जरा पति दया भी रख। अरे तेरी तरह मुझे भी कुत्ते पर दया आ रही है, लेकिन कुत्ते से ज्यादा मुझे मुझ पर दया आ रही है। अरे कुत्ता तो गोकुल धाम के बाहर किसी दूसरी जगह अच्छे से रह सकता है, लेकिन मैं गोकुल धाम के बाहर थोड़ी रह सकता हूँ। हाँ, पर कुछ नहीं, महारानी दया देवी, ये आपके पति महाराजा जेठालाल सिंह गड़ा का हुक्म है कि मीटिंग में आपको कुत्ते का नहीं मेरा पक्ष लेना है। जी, टप्पू के पापा सिंह गड़ा महाराज, आपका हुक्म सर के ऊपर से। आपका हुक्म सर आंखों ऊपर से। हमारा हुक्म भली भांति याद रहे और उस पे अमल हो। अगर आपने मीटिंग में कुत्ते का पक्ष लिया तो हम क्रोधित हो जाएंगे, और जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो दुनिया हिला देते हैं। जी पापा, जी महाराज। जी टप्पू के पापा सिंह गड़ा महाराज, अभी आपकी सेवा में खाना पेश कर सकता है? टकलियां मत दो। अरे पेश कर सकते हैं क्या? जल्दी से जल्दी पेश कीजिए। जल्दी पीजिए, खत्म करना है। क्या पीजिए पीजिए अंजलि, डिनर में खाली सूप और वो भी करेले का। सॉरी तारक, क्या करूं, आपका एक किलो वजन बढ़ गया है। तुम्हारी वेइंग मशीन खराब है अंजलि। नो तारक, आपसे ज्यादा मुझे मेरी मशीन पर विश्वास है। तो मशीन से शादी करनी थी ना अंजलि, मुझसे क्यों की? हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई, आपका एक फीवर चाहिए। फीवर? तुम्हें मुझसे बुखार चाहिए जेठालाल? अरे बुखार नहीं भाई, फीवर। ओ सात सहयोग को क्या बोलते हैं? ओहो, तुम्हें मुझसे फीवर चाहिए जेठालाल। हाँ बोलो। वही आपको तो पता ही होगा, वो भेड़ ना पिए फिटिंग बुलाई है। हाँ हाँ, इस बात का फैसला करने के लिए कि ये कुत्ता सोसाइटी में रहेगा या नहीं। हाँ तो मैं मीटिंग में देखिए बोलने वाला हूँ कि भाई सोसाइटी में कुत्ता नहीं रह सकता, तो आप भी वही बोलना। हा? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ जेठालाल? अरे क्यों नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा। कसम है आपको अपने परम मित्र की। अरे परम मित्र इस तरह से कभी ब्लैकमेल नहीं करते हैं जेठालाल। अरे मेहता साहब, आपको तो पता है ना, कुत्ते का और मेरा 36 का नहीं 360 का आंकड़ा है। प्लीज आप कुत्ते का पक्ष मत लेना, मेरा पक्ष लेना मीटिंग में प्लीज। अरे सुनो जेठालाल। नहीं नहीं, अभी कोई भाव ताल नहीं, अभी डील पक्की, ठीक है? जेठा क्या कहा जीजा भाई ने? तारे जेठालाल ने ये कहा कि मुझे सोसाइटी की मीटिंग में कुत्ते का फेवर नहीं करना है। नहीं तारक, कुत्ता अपनी सोसाइटी में ही रहेगा और आपको उस मासूम के फेवर में ही बोलना है बस। और तारक सोचिए, कुत्ता यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? अंजलि मैं भी समझता हूँ, लेकिन जेठालाल मेरा परम मित्र है, उसने कसम दिला दी तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अच्छा तो पत्नी की बात? अंजलि देखिए तारक, 100 बात की एक बात, कुत्ता सोसाइटी में रहेगा यही आप मीटिंग में बोलेंगे, ये आपकी पत्नी का हुक्म है, समझे? अंजलि, अरे अंजलि सुनो, अंजलि नहीं सुन रही है। क्या करूं साहब, मैं अब पत्नी का हुक्म मानूं या दोस्त की कसम? भाई एक तरफ जेठालाल है परम मित्र है और दूसरी तरफ पत्नी, अब क्या करूं मैं? मुझे इस वक्त वो कहावत याद आ रही है, धोबी का कुत्ता न घर का न खाट का। फंस गया हूं मैं, पर मेरे ख्याल से फंसेंगे तो जेठालाल, क्योंकि दया भाभी, बबीता जी, अंजलि, सारे के सारे लोग कुत्ते को सोसाइटी के रखने के पक्ष में है। अब क्या करेंगे जेठालाल और वो बबीता जी, जिनकी हर बात जेठालाल की सर आंखों पे होती है, उनकी बात कैसे टालेंगे या फिर मानेंगे? यानी कि सोसाइटी आम नहीं होने वाली है, तूफानी होगी, और तूफानी सोसाइटी मतलब आपके घरों में हंसी। यानी कि सोमवार का एपिसोड आपके घरों के अंदर ठाक ही ठाक लेके आएगा, जब मीटिंग में बात चलेगी कि भाई कुत्ते को रखा जाए या नहीं रखा जाए। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।